I'm planning to be with Salman on his show. सलमान खान के शो में जाने के लिए तैयार हैं ऋतिक रोशन. पिछले दिनों आई उन तमाम खबरों को ऋतिक ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए झुठला दिया, जिनमें कहा गया कि जहां प्रियंका और कंगना सलमान के शो में क्रिश 3 को प्रमोट करने गईं, वहीं ऋतिक जानबूझकर सलमान के शो को अवॉइड कर रहे थे. लेकिन ऋतिक का कहना है कि ऐसा सिर्फ मौका न मिलने की वजह से हुआ, पर अब वो जल्द ही सलमान के शो में जाएंगे. तो जब भी अभी जब एक डेट होगी फ्री, आई विल बी देयर. पर सवाल खाली डेट का नहीं, बल्कि सवाल तो सिर्फ ये है कि जहां बॉलीवुड के तमाम स्टार्स अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए रिलीज से पहले रियलिटी शोज और कॉमेडी शोज का रुख करते हैं, वहीं फिल्म प्रमोशन के लिए ऋतिक के चुने हुए शोज की लिस्ट में सलमान का नंबर सबसे बाद में क्यों आ रहा है. ऋतिक की फिल्म 100 करोड़ कमाकर जब बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत साबित कर चुकी है, तब उन्हें सलमान के शो में अपनी फिल्म प्रमोट करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है. यही वो कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऑडियंस के मन में जरूर आ रहे होंगे. पर आए भी क्यों ना, आखिर पिछले दिनों खबर आई कि शाहरुख के करीबी माने जाने वाले ऋतिक सलमान के शो में जाने से कतरा रहे थे, लेकिन अब वही ऋतिक सलमान के गुण गा रहे हैं. आई एम वेटिंग, आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद हिम. इट्स ऑलवेज फन विद हिम एंड ही इज समबडी हु हैज सपोर्टेड मी थ्रू आउट माय लाइफ. ही लव्स मी, I love him back. So I am hoping we have a great one. Well, Ritik, अगर सलमान से इतना अच्छा रैपो रखते हैं, तो फिर पिछले दिनों सलमान के शो में ऋतिक के जानबूझकर ना जाने की खबरें आई ही क्यों? फिर दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया कि सलमान शो में ऋतिक से इंटरेक्शन के लिए तैयार ही नहीं. वैसे हो सकता है ऋतिक को चाहकर भी सलमान के शो में जाने का मौका न मिल पाया हो, लेकिन इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले दिनों संजय लीला भंसाली के मुंह से सलमान के लिए निकली तारीफ के बाद ऋतिक ने सलमान के शो में जाने का मन बनाया हो, क्योंकि गुजारिश के वक्त वो सलमान ही थे जिन्होंने भंसाली की फिल्म का मजाक बनाया था. लेकिन अब जब खुद भंसाली ही सलमान को फकीर बताने लग गए हैं, तो फिर भला उस फकीर के दरबार में जाने से ऋतिक को कौन रोक सकता है. फिर रिलीज के पहले सलमान के हाथों मजाक उड़ाए जाने का खतरा भी था, पर अब 100 करोड़ कलेक्शन फिगर छूकर क्रिश 3 की बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने ऋतिक को इतना कॉन्फिडेंट जरूर किया होगा कि वो किसी को भी फेस कर सकते हैं. शायद इसीलिए वो अब सलमान को फेस करने की तैयारी कर रहे हैं. आई एम प्लानिंग टू बी विद सलमान ऑन हिज शो. फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई.